हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोल पाउडर का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है, इलेक्ट्रोल पाउडर को कैसे लेना चाहिए और इलेक्ट्रोल पाउडर की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोल पाउडर को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और ये भी जानेंगे कि क्या एक्सरसाइज या रनिंग करने वाले व्यक्ति इलेक्ट्रोल पाउडर का सेवन कर सकते हैं या नहीं। इलेक्ट्रोल पाउडर का उपयोग डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। शरीर में ज्यादा उल्टी, दस्त या पसीना आदि आने के कारण शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी शरीर में पानी की कमी हो सकती है। डिहाइड्रेशन होने पर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आदि का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रोल पाउडर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोल पाउडर को सभी उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। इलेक्ट्रोल पाउडर को छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है। अब डिस्कस करें कि इलेक्ट्रोल पाउडर को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। इलेक्ट्रोल पाउडर के 21.8 ग्राम के एक पाउच को 1 लीटर पानी में घोलना रिकमेंडेड होता है। आपको इलेक्ट्रोल पाउडर के 21.8 ग्राम के एक पाउच को 1 लीटर पानी में घोल लेना चाहिए, और आपको उस पानी को दिन में थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। इलेक्ट्रोल पाउडर को मिलाने के बाद बचे हुए पानी को फ्रिज के अंदर रख देना चाहिए, क्योंकि बाहर रखने से इलेक्ट्रोल पाउडर मिला हुआ पानी बहुत जल्दी खराब हो सकता है। आपको इलेक्ट्रोल पाउडर को एक बार पानी में मिलाने के बाद उस पानी को 24 घंटे के अंदर पी लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक इलेक्ट्रोल पाउडर को मिलाकर रख देने से पानी के अंदर बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं और पानी खराब हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोल पाउडर को मिलाए हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है तो आपको उस पानी को डिस्कार्ड कर देना चाहिए और उस पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। एक दिन में आप इलेक्ट्रोल पाउडर के एक बड़े पाउच का सेवन कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोल पाउडर का 4.4 ग्राम का एक छोटा पाउच है तो आप उस पाउच को एक गिलास पानी में मिलाकर पी सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या एक्सरसाइज और रनिंग करने वाले व्यक्ति इलेक्ट्रोल पाउडर का सेवन कर सकते हैं या नहीं। एक्सरसाइज या रनिंग के दौरान शरीर का पसीना ज्यादा मात्रा में निकलता है। जब शरीर का पसीना ज्यादा मात्रा में निकलता है तब पसीने के साथ साथ शरीर के एसेंशियल सॉल्ट्स और मिनरल्स भी निकल जाते हैं। साधारण पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए शरीर में पसीने के साथ खोए हुए एसेंशियल सॉल्ट्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए आप इलेक्ट्रोल पाउडर को पी सकते हैं। एक्सरसाइज या रनिंग के बाद इलेक्ट्रोल पाउडर को पीने से आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स व पानी की कमी नहीं होगी, और आपको शरीर में एनर्जी की कमी भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोल पाउडर शरीर में एनर्जी के लेवल को भी बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए एक्सरसाइज या रनिंग करने वाले व्यक्ति बिना किसी संदेह के इलेक्ट्रोल पाउडर को पी सकते हैं। अब हम डिस्कस करें कि इलेक्ट्रोल पाउडर को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन कंडीशन में इलेक्ट्रोल पाउडर को पीना रिकमेंडेड नहीं होता है। शुगर से पीड़ित व्यक्तियों को इलेक्ट्रोल पाउडर को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना शुगर से पीड़ित व्यक्तियों को इलेक्ट्रोल पाउडर का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोल पाउडर के अंदर शुगर होती है और इलेक्ट्रोल पाउडर शुगर से पीड़ित व्यक्तियों में शुगर का लेवल बढ़ा सकता है। इलेक्ट्रोल पाउडर को आरओ के पानी या पानी को उबाल कर उसको ठंडा करने के बाद मिलाकर पीना रिकमेंडेड होता है। इसलिए यदि आपके पास आरओ का पानी अवेलेबल है तो आप इलेक्ट्रोल पाउडर को आरओ के पानी में मिलाकर पी सकते हैं। यदि आपके पास आरओ का पानी अवेलेबल नहीं है तो आपको पानी को पहले अच्छी तरह से उबाल लेना चाहिए, और उसके बाद पानी को अच्छी तरह ठंडा होने के बाद इलेक्ट्रोल पाउडर को उसमें मिलाकर पी सकते हैं। इलेक्ट्रोल पाउडर को पानी में मिलाने के बाद आपको पानी को उबालना नहीं चाहिए। डिहाइड्रेशन होने पर डॉक्टर इलेक्ट्रोल पाउडर अवेलेबल न होने की सिचुएशन में नमक चीनी के घोल को पानी में मिलाकर पीने की सलाह दे सकते हैं। अगर आप नमक चीनी के घोल को पीते हैं तो आपको नमक चीनी के घोल को बहुत ही सावधानी से तैयार करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए नमक का ज्यादा सेवन खतरनाक साबित हो सकता है, और चीनी का ज्यादा सेवन दस्त की समस्या को ज्यादा गंभीर बना सकता है। इलेक्ट्रोल पाउडर को दूध, सूप या फ्रूट जूस के साथ मिलाकर पीना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए आपको इलेक्ट्रोल पाउडर को दूध, सूप या फ्रूट जूस में मिलाकर नहीं पीना चाहिए। इलेक्ट्रोल पाउडर को केवल पानी में ही मिलाकर पीना चाहिए। इलेक्ट्रोल पाउडर को पानी में मिलाने के बाद अलग से शुगर यानी चीनी को नहीं मिलाना चाहिए। इलेक्ट्रोल पाउडर को तैयार करने के बाद आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन को पी लेना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हर बार फ्रेश सॉल्यूशन को तैयार करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोल पाउडर को मिलाकर रख देने से उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं और तैयार किया हुआ सॉल्यूशन खराब हो सकता है। इलेक्ट्रोल पाउडर दस्त की समस्या को ठीक नहीं करता है। इलेक्ट्रोल पाउडर केवल दस्त की वजह से हुई शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है। अब डिस्कस करें कि इलेक्ट्रोल पाउडर की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इलेक्ट्रोल पाउडर एक सेफ दवा है, और ज्यादातर व्यक्तियों में इलेक्ट्रोल पाउडर की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अब डिस्कस करें कि क्या गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं इलेक्ट्रोल पाउडर का सेवन कर सकती है या नहीं। वैसे गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए इलेक्ट्रोल पाउडर का सेवन करना
करना सुरक्षित है और इलेक्ट्रोल पाउडर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कर रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कर रही महिलाओं को किसी भी दवा को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कर रही महिलाओं को इलेक्ट्रोल पाउडर का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।